अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये मेरा पहला व्लॉग है जो कि मैं अपने अबाई गांव अपने वाले साहब की कब्र मुबारक पर आया था और अभी मैं वापस जा रहा था। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप सब भी दोस्तों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब भी उनके लिए एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी सूरत अल-फातिहा वगैरह पढ़कर बख्शें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जो है वो दुरूद इब्राहिमी वगैरह पढ़ सकें। इससे ये होगा कि आप सबको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा और मेरे वाले साहब को भी सवाब मिलेगा। दरअसल ये होता है कि हम जो भी वीडियोस बनाते हैं वो जब तक वो वीडियो चलती रहती है, ठीक है, चाहे वो क़यामत तक ही क्यों ना वो वीडियो चलती रहे, जब तक वो वीडियो चलती रहती है तब तक हमें उसका सवाब या गना मिलता रहता है। अगर हमने एक अच्छी वीडियो बनाई है तो हमें उसका सवाब तक क़यामत तक मिलता रहेगा और कब्र के अंदर हमें जो है वो उसका सवाब मिलता रहेगा। लेकिन अगर हमने एक बैड वीडियो बना दी है, सही है, सिर्फ लाइक्स के लिए, तो उसका गुनाह भी हमें जो है वो क़यामत तक मिलता रहेगा। तो बेहतर यही होता है कि हम जो है वो अच्छी वीडियोज़ बनाएँ जिससे जो है वो दूसरों का भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप सब भी एक दफ़ा जब दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, सूरत अल-फातिहा पढ़ेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे, देखें आपको भी सवाब मिल गया। इसके अलावा जब आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे, जब कोई और देखेगा तो वो भी जब पढ़ के ये शेयर करेगा तो उसको भी सवाब मिलेगा, उसको भी सवाब मिलेगा, मुझे वीडियो बनाने का सवाब मिलेगा और मेरे वाले साहब के लिए ये सब कुछ पढ़ा जा रहा है तो उनको भी डेफिनेटली सवाब मिलेगा, ठीक है। तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है वो लाजमी ये करें। हमने यहाँ पर ये देखे पौधा लगाया था, तो ये सामने ही कब्रें मुबारक हैं उनकी, तो ये वाले, ठीक है। तो कच्ची कब्र रखी हुई है, हमने इसको पक्का नहीं किया है। हर साल आते हैं क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा दूर है हमारा, ठीक है, कराची से यहाँ पर पंजाब में आना पड़ता है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि हर साल जो है कम से कम अगर दूर हैं तो हर साल लाजमी जाया करें, अगर आप नज़दीक हैं तो डेली जाया करें, वरना जो भी आपके नज़दीकी कब्रिस्तान है वहाँ तो आप डेली जाएं, दूसरों के लिए भी दुआ करें। इससे ये होगा कि आपकी जो है वो आपको कब्रों को देखकर आपको मौत याद रहेगी और जब आपको मौत याद रहेगी तो आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अच्छी वीडियोज़ बनाएँगे ताकि जिससे दूसरों का भी फ़ायदा हो। इस उम्मीद पर आप सब दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ कि आप सब एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी सूरत अल-फातिहा पढ़ कर लाजमी इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।